तो सभी दीदी भैया को नमस्ते। तो देख लीजिए मेरी सासू माँ आम छिल रही हैं, तो मैं ये देख लीजिए इससे छिलती हैं। तो ये नदी में मिलता है दोस्तों, तो मेरी सासू माँ छिल रही हैं, तो मैं और काम नहीं करवाती हूँ। तो दोस्तों मैं आम को काट लेती हूँ हसुआ की सहायता से, ऐसे काटना है, चाकू से तो नहीं कटेगा दोस्तों, चोक होगा तभी कटेगा, इसीलिए मैं हसुआ से काट रही हूँ। इसी तरह पूरा आम काटेंगे, तो मैं काट कर दिखाती हूँ। यहाँ पर मेरी सासू माँ है। तो दोस्तों मैं इतना आम काट ली हूँ, तो यहाँ पर छिलका निकाल कर रख दी हूँ। तो देख लीजिए अभी 5 आम बाकी, इतना आम काट रही हूँ। तो इस तरह मैं आज बहुत अच्छा से इसका रेसिपी बनाएंगे, तो मेरी वीडियो में बने रहना प्लीज। तो देख लीजिए इस तरह मैं आम काट रही हूँ, तो इसमें बहुत अच्छा लगेगा खाने में। तो दोस्तों मैं पूरा आम काट ली हूँ, तो मैं इसमें जो बीज है मैं इसको निकाल देती हूँ। इसी तरह निकालना पड़ता है, तो ये मैं अभी इसको कूड़ादान में फेंक दूँगी। तो मैं छिलका भी नीचे गिराई रखी हूँ, तो मैं इसको साफ कर देंगी। तो मैं पूरा छिलका साफ कर रही हूँ, तो इस तरह साफ कर रही हूँ। मैं बकरियाँ पाली हूँ, 3 बकरियाँ हैं हमारे घर पर, तो मैं उसको खिलाऊंगी। तो मैं इसमें रख देती हूँ भगोने, यहाँ पर मिट्टी लग गया है। तो चलती हूँ मैं, रेसिपी बनाकर दिखाएंगे, तो ये मेरी बकरियाँ खा लेंगी। तो मैं इस साइड सामान रख देती हूँ, सभी सामान बिखरा होता है, तो यहाँ पर रख देंगे, बाद में बकरी को खिलाएंगे। तो यहाँ पर मैं चल देती हूँ, तो मैं दूसरी थाली में रख देती हूँ। तो मैं 2 बार धुलूंगी, तो नाना के घर से आया है, तो मैं थाली में रख रही हूँ, तो मैं धुल ली। मैं बर्तन रखती हूँ टब में, तो मैं कढ़ाई निकाल लेती हूँ। तो मैं एक बार धुल कर लाई हूँ कढ़ाई को, मैं साफ पानी से धुल लेती हूँ दोस्तों। यहाँ पर धूल उड़ता है, मिट्टी यहाँ पर आ जाता है, मेरा घर सड़क के किनारे पर है, इसलिए धोना पड़ता है बार बार। मैं धुल रही हूँ, तो मैं बाल्टी में पानी डाल देती हूँ इसी में, तो मैं फेंक आऊंगी। तो ये राखी है दोस्तों, मैं इसका लेप लगा रही हूँ, तो पानी ज्यादा हो गया है, तो मैं इस तरह लेप लगा रही हूँ, तो आवाज आता होगा दोस्तों। मेरा सड़क के घर है, इसलिए तो यहाँ पर गाड़ी मोटर जाता है, तो मैंने एक लगा ली हूँ इस तरह, देख लीजिए। तो यहाँ पर मैं रख देती हूँ, चलती हूँ मैं हाथ धुल लेती हूँ पानी लाना नल से। दोस्तों मैं पानी भरना है, साफ पानी ले जा रही हूँ, तो इस तरह यहाँ पर मेरा नल है, तो मैं नल चला रही हूँ। तो मैं निरमा से धुली हूँ, बहुत अच्छा साफ सफाई से बनाती हूँ खाना में। हम पानी भर चुके हैं, तो चल रही हूँ घर पर। यहाँ पर मेरा घर है दोस्तों, नल में बहुत दूर दूरी पे लगवा दी हूँ, तो यहाँ पर मैं साग सब्जी लगा दी हूँ, यहाँ बताएंगे कभी वीडियो में। तो यहाँ पर मिट्टी भी लाई हूँ तालाब से, वरना पूरा। तो यहाँ पर मैं है, तो यहाँ पर मेरा छप्पर का घर है, देख लीजिए। तो चल रही हूँ दोस्तों मैं घर में, मैं अंदर चल रही हूँ। तो मैं यहाँ पर पानी रख देती हूँ, तो सभी सामग्री तैयार। तो मैं इतना आम छिल ली हूँ, तो पूरा सामान यहाँ पर मैं सौंप ली हूँ दोस्तों, और ये मंगरेल है, और यहाँ पर ये लहसुन है, तो मैं इसका छिलका नहीं उतारी हूँ। तो मैं, मेरे पास जीरा नहीं था, तो थोड़ा ही जीरा था, तो मैं इतना जीरा ली हूँ। और दोस्तों मेरे पास एक चीज़ और नहीं है, बहुत धनिया नहीं है दोस्तों, तो मैं इस इतने सामान का मैं बना रही हूँ रेसिपी। तो मैं चलती हूँ चूल्हा जला लेती हूँ, तो मैं चूल्हा जला लेती हूँ ये माचिस।
इस तरह मेरा चूल्हा जल रहा है, जला रही हूँ। कितना मैं लकड़ी यहाँ पर रख देती हूँ, लकड़ी जोड़ देती हूँ, चूल्हा जले मेरा अच्छा से। तो धुआँ बहुत हो रहा है, तो मेरा कढ़ाई गरम हो गया, तो मैं मसालों को भूज लेती हूँ। सभी मसालों को एक ही राग में भूजूंगी दोस्तों। तो मैं गुड़ इसमें रखी हूँ, तो मैं करछुल से पलटे से चला देती हूँ। तो मैं इस तरह भूज रही हूँ। तो दोस्तों आप सब देख लीजिए, मैं दो लाल मिर्चा इसमें डाली हूँ। तो आप सब बना सकते हैं अपने अनुसार, जितना तीखा खाना हो या मीठा खाना हो तो अपने अनुसार बना सकते हैं। तो एक बार आप सब बनाना तो बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, खट्टा मीठा तीखा। दोस्तों खाने में तीखा मीठा खाके बहुत पसंद है, तो मैं इसीलिए बना रही हूँ। तो मैं मसाला भूज रही हूँ, सभी प्रकार का मेरे पास है, तो इसलिए तुम वीडियो धुंधला आ रहा होगा। मसाला को कढ़ाई से निकाल लेती हूँ, मेरा मसाला भून ली हूँ। तो देख लीजिए इतना मसाला मैं भूजी हूँ। तो आज बहुत तेजी से सरसों का तेल रखी हूँ, तो मैं कढ़ाई में सरसों का तेल डाल देती हूँ। तो मैं थोड़ा ही तेल इसमें डालना पड़ता है दोस्तों, तभी अच्छा लगता है। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा मैं जीरा ली हूँ साबुत, तो अपने अनुसार दोस्तों, तो आप पिसा हुआ जीरा डाल सकते हैं, तो मैं साबुत जीरा इसमें डाल रही हूँ तड़के में। चूल्हा बुझ जाता है दोस्तों, तो बहुत दिक्कत होता है। तो गर्मी बहुत लग रही है, तो दोस्तों हमारे यहाँ पर थोड़ा थोड़ा बादल है, तो यहाँ पर मैं वीडियो बना रही हूँ। हमारे यहाँ पर मड़ई बोलते हैं, तो मड़ई में मैं बना रही हूँ। तो इतना आम मैं ली हूँ, तो मैं तड़क दी हूँ, तो मैं पलटे से चला देती हूँ इसको अच्छा से। मैं पानी डाल लेती हूँ, दोस्तों ये आम ज़्यादा है तो मेरा कढ़ाही छोटा है। तो देख लीजिए मैं जल जाती हूँ, तो इसको ठीक कर देती हूँ, नहीं गिर जाएगा तो मैं जल जाऊँगी। तो कभी कभी मैं जल जाती हूँ दोस्तों, चूल्हे पे डाल देती हूँ कढ़ाही। तो मैं इतना ये सिलबट्टे से मसाला पीसेंगे तो मैं दिखाएंगे, तो मसाला मैं बाद में डालूँगी। तो इसमें दोस्तों मैं यहाँ पर चीनी निकाल कर रखी थी, तो चींटियाँ आ जाती हैं, तो मेरे पास डिब्बा नहीं है इसीलिए। तो देख लीजिए कितना इसमें चींटियाँ आ गई हैं। तो दोस्तों मीठा मेरे पास एक ही पाव गुड़ था, तो मैं इसमें थोड़ा सा चीनी डाल देती हूँ, तो मीठा अच्छा लगता है, तो मेरे बच्चे खा लेंगे, मीठा रहेगा, इसीलिए मैं तीखा नहीं बना रही हूँ। तो मैं इसमें गुड़ और चीनी डाल दी हूँ, और आम है तो मैं इसका आम का गलका बना रही हूँ दोस्तों। हमारे यहाँ पर गलका बोलते हैं। तो मैं चूल्हा डला कर छोटी सिलबट्टे के पास में, मैं एक बार सिलबट्टा धुली थी दोस्तों, मैं दोबारा फिर धुल रही हूँ। तो देख लीजिए मैं सिलबट्टा साफ से धुल लेती हूँ, तो इस तरह मैं सिलबट्टा धुल रही हूँ। तो मेरा सिलबट्टा ये जो पानी है दोस्तों सूख जाता तो अच्छा रहता, तो मैं सुखवाऊंगी, तो यहाँ पर फिर गर्दा उड़कर पड़ जाएगा सिलबट्टे में। तो यहाँ पर मैं मसाला पीस रही हूँ, मसाला पीस रही हूँ। तो इस तरह मेरा मसाला है, ये
एक दो बार इसको पीसना पड़ेगा दोस्तों, बहुत मेहनत लगता है पीसने में। तो मैं यहाँ पर रख देती हूँ, तो मैं सिलबट्टे से प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो मेरा मसाला पीस चुका है, मैं पीस ली हूँ, तो मैं अच्छा से इसको निकाल लेती हूँ। देख लीजिए दोस्तों, मेरा हाथ यहाँ पर कटा हुआ है, तभी मैं मसाला पीस रही हूँ। तो ये हसुआ से कट गया है दोस्तों, मैं सब्जी काट रही थी तो मेरे हाथ में लग रहा है, तो मैं इसको धुल लेती हूँ दोस्तों। बहुत जलन होता है इसमें। तो मैं इसमें मसाला डाल देती हूँ जब मैं सिलबट्टे से पीसी थी। तो दोस्तों मेरे यहाँ पर अंधेरा हो गया, शाम हो गया है। तो दोस्तों ये पिसा हुआ हल्दी है, तो मैं इसमें डाल देती हूँ गलका में, ताकि कलर अच्छा आए, देखने में अच्छा लगता है दोस्तों, खाने में भी। तो मैं इसमें हल्दी थोड़ा सा डाल दी हूँ अपने अनुसार। मैं इसको अच्छा से मसाला मिला देती हूँ। तो मैं इसको पका रही हूँ, तो वीडियो अंधेरा आता होगा दोस्तों, ढकूंगी नहीं, नहीं तो उबाल खाकर नहीं चूल्हा मेरा बुझ जाएगा। इस तरह मेरा आम का गलका बन रहा, तो मैं इसको थाली से ढक देती हूँ। तो मैं दोस्तों थाली से ढक देती हूँ, मैं चूल्हा अच्छा से जला देती हूँ, तो चूल्हा मेरा बुझ जाता है हमेशा। तो मैं इसको आग को निकाल देती हूँ बाहर, अभी तो खाना बनाना है। तो मैं यहाँ पर थाली रख देती हूँ बाहर, तो बहुत अच्छा से महक भी रहा है। तो मैं कटोरी में निकाल रही हूँ, तो मेरा अंत खाने का जिद कर रहा, तो मेरा अंत मेरा खाने जा रहा है, तो मैं जल गई हाथ में। तो मैं यहाँ पर मैं तो देख लीजिए इस तरह है, तो मेरा अंत खाने जा रहा है। भगोने में रख देती हूँ, तो इस तरह मैं निकाल रही हूँ। तो आप सब देख लीजिए दोस्तों, इस तरह मेरा गलका बना हुआ। तो वहीं एक गर्म, आप सबके पास फ्रीज होगा तो गलका आप सब बनाना, तो बहुत दिन तक चलेगा। तो मेरे पास फ्रीज तो नहीं है दोस्तों, तभी 2-3 दिन तक मैं खा सकती हूँ। तो देख लीजिए इस तरह बना हुआ है मेरा गलका, तो प्लीज़ आप सब आके खा लीजिए। तो देख लीजिए यहाँ पर अंधेरा हो गया, तो मेरा अंश खा रहा है गलका, तो मैं कटोरी में दी हूँ। तो हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो में कोई गलती होगा तो माफ़ करना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।